आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। सेंटर निखिल जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हो ये काफी कम हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंचेस बचा है, जो 19-20 इंच होता है लेफ्ट आंख का। देखते हैं राइट आंख में क्या पोजीशन है। निखिल जी, आपका राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और लगभग ये 2.3 इंच ही बचा है, तो कुल मिला के दोनों आंखों का आपका एवरेज 2.3-2.5 इंचेस ही रोशनी आपकी बची है पेरिफेरल विजन में। तो इससे आपको क्या परेशानी आती है, आपकी रोशनी कम होती जा रही साइड की? तो कुछ दिखता नहीं है, दिखता नहीं है चलते समय तकलीफ। तो साइड का नहीं दिखने से आपको क्या क्या परेशानी आती है? चलने में तकलीफ होता है, स्टेप्स आया तो समझता नहीं है, भीड़ में जाते तो भीड़ में जाते तो साइड से कोई आया तो टकरा जाते हैं। रोशनी अचानक से आंखों पर आई तो एकदम धुंधला दिखता है और रात में भी बहुत कम दिखता है, चलते समय दिन में लगता है। दिन में भी टकरा जाते हैं? हाँ, दिन में भी टकरा जाते हैं। स्टेयर चलने में दिक्कत होती है, उतरने में क्या होता है? हाथ कोई मिलाता है ऐसे नीचे से तो समझता नहीं है, समझता नहीं है। जमीन पे कोई सामान गिर जाता है वो भी नहीं समझता है, जल्दी नहीं मिलता है। तो सड़क पे खड्डे वगैरह स्पीड ब्रेकर वो नहीं दिखते, नहीं दिखते। सीढ़ी चढ़ने उतरने में क्या प्रॉब्लम है? वो सीढ़ी का अंदाजा नहीं आता है। कोई आपको आइसक्रीम या चाय देता है कप तो आप पकड़ लेते हैं? नहीं, वो नहीं समझता है, नहीं समझता। मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही। कितने साल हो गए आपको परेशान होते? 5 से 6 साल हो गए। 6 साल से ये बढ़ गई है। शुरुआत आपको कब से हुई थी? मुझे मैं कम से कम 35 साल का था तब से हो गई थी। 35 साल में पहले सबसे पहले क्या नाइट में दिखना कम हुआ? हाँ, नाइट में पहले दिखने का कम हुआ, फिर धीरे धीरे जब बढ़ते गए तो अभी दिन में भी बहुत तकलीफ होने लगा। नाइट में कम हुआ फिर दिन में कम हुआ। दिन में कम। कलर कब से नहीं दिख रहे हैं आपको? कलर तो उसके साथ में कलर भी धीरे धीरे दिखने सब बंद हो गए। अच्छा, सारी चीजें एक के बाद एक होती चली गई। हाँ। आप आज कितने साल के हैं? अभी आज मैं 42 ईयर्स का हूँ। तो मतलब करीब 8 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह अंधकार में होती चली जा रही है। कई जगह आपने प्रयास किए होंगे, कहाँ कहाँ दिखाया आपने? बहुत जगह दिखाया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, मुझ भी राहत नहीं मिली। रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और जिंदगी परेशानियों में घिरती जा रही है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जिंदगी में फिर रौनक आए और आप कॉन्फिडेंटली अपना काम कर पाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबियां जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। निखिल जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का और आपने देखा कि जस्ट ये नियर डबल पहुंच रहा है। 1.6 था आपका ऊपर, वो 2.9 हो गया है। राइट हैंड साइड पे 2.7 था, अपर साइड में 1.6 था जो 2.9 हो गया है, लोअर साइड में करीब करीब अभी सेम है। राइट हैंड साइड पे 2.7 था वो 3.2 हो गया है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2.3 था वो 3.7 हो गया है। हालांकि बढ़ने की स्पीड कम है पेरिफेरल विजन, मगर 1 सेंटीमीटर 1 इंच भी बढ़ता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आपने कहीं भी दिखाया था, उन्होंने डॉक्टर साहब ने क्या कहा था आपसे? पेरिफेरल विजन बढ़ ही रहा था, कम ही हो रहा था। हाँ, नहीं तो उन्होंने कहा था कुछ इलाज हो पाएगा का इसका? नहीं, कुछ इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली ये पेरिफेरल विजन जीरो हो जाएगा, आपको दिखना टोटली बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो आप खुश हैं कि आपका पेरिफेरल विजन बढ़ना शुरू हो गया है? थोड़ा बहुत तो खुश हो रहे हैं। चलिए, बहुत सारी बधाई है। मतलब इसी तरह आप रेगुलर रहिए और ईश्वर ने चाहा तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे और आपकी रोशनी बढ़ती चली जाए। उज्जैन नगर है, उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।